राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के चलते प्रशासन भले ही गंभीर होने का दावा कर इसकी रोकथाम में कारगर साबित होने वाले प्रयासों के प्रति जागरूकता लाने की कवायद का दम भर आम लोगों पर सख्ती बढ़ता नजर आ रहा है और गाइडलाइन के पालन करने पर जोर दे रहा है, पर इसके यही प्रयास जमीन पर उस वक्त हवा हवाई साबित होते हैं जब मंत्री विधायक के दौरे कार्यक्रम में शामिल लोगों का कारवा कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ा संक्रमण को आमद देते हुए गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए नजर आता है। इसको लेकर रोकथाम की दृष्टि से कोई कदम नहीं उठाए जाने पर अब आम लोग भी चुटकी लेते नजर आते हैं और शासन पर मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं और उनका मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है उनसे सभी से, आप लोग अपने साथ व्यवस्थाओं की बात करते हैं, ये कहते हैं कि व्यवस्थाएं बना के रखना है, दूरी बना के रखें, चालान होते हैं, 1 मीटर की दूरी बनाए, 2 मीटर की दूरी बनाए, बट जब आप खुद आते हैं, आप स्वयं यहाँ आते हैं तो आपके साथ इतनी भीड़ होती है, आप कभी खुद उस चीज़ में ये चीज़ की उपेक्षा क्यों नहीं करते हैं कि आप दूरी बनाए रखें आपके साथ भी लोग, ताकि उस चीज़ से हम दूरी बनाने के साथ साथ हम उस चीज़ को भी दूर कर सकें जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, वो है कोरोना। आपको ऐसा लगता है कि जो मंत्री और नेता आते हैं ये कोरोना को फैलाने का काम नहीं, फैलाने की बात नहीं, लेकिन उनके साथ जो लोग आते हैं उनके साथ जो दूरी बनाने की बात वो खुद करते हैं, वो दूसरों उनके साथ जो लोग आते हैं वो दूरी क्यों नहीं बनाते, मेरा क्वेश्चन इस चीज से। देखा जहां वैक्सीनेशन सेंटर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे मंत्री के साथ दर्जनों की संख्या में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक जत्थे के रूप में उनके दौरे के दौरान कोरोना गाइडलाइन की खुलकर धज्जियां उड़ा सोशल डिस्टेंस को दरकिनार करते हुए संक्रमण को न्यूनतम देखे गए। खास बात यह रही कि खुद मंत्री इस दौरान दूसरों को नियमों के पालन पर जोर दे लोगों को इसका पालन करने पर जोर दे रहे थे, पर वह उसके साथ मौजूद भाजपा के लोगों को ही इसके प्रति जागरूक नहीं कर पाए। यही नहीं, जिस जिम्मेदार प्रशासन के नुमाइंदे पर गाइडलाइन के पालन सुनिश्चित हो सके इसकी जिम्मेदारी सौंपी गए, वह भी मंत्री जी के दौरे के समय मौजूद उनके समर्थकों की भीड़ को इसका पालन कराने में नाकाम साबित हुए और मूक दर्शक बने तमाशा देखते रहे। इसको लेकर निरीक्षण के दौरान वहाँ मौजूद जागरूक नागरिकों ने इसका विरोध भी किया और शासन प्रशासन की संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन के प्रयास पर दोहरे मापदंड पर सवाल भी खड़े किए। आम लोगों के मुताबिक पहले शासन प्रशासन अपने स्तर पर इसके पालन के प्रति जागरूकता लाए, फिर दूसरों को इसके अमल करने पर जोर दे। लोगों ने संक्रमण के नाम पर जारी चालानी कार्यवाही पर भी विरोध दर्ज कराया और इसे वसूली का जरिया करार दिया। केंद्र बना रखे हैं, संडे को भी आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है जिससे कि लोग जो पात्रता श्रेणी में उन सबको वैक्सीन लग सके और वो अपने आप को सेव कर सके, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ सबको मास्क लगाकर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और सैनिटाइजेशन करते रहना है। इस महामारी से निपटने के लिए सरकार लगी हुई है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं स्वयं भी जगह जगह पर जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, व्यवस्थाएं हमारी पूरी बढ़ रही हैं, डेली मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं जिससे कि इस संक्रमण को रोक सकें और जो हमारा स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो लोग भी इस काम में पूरी तरीके से लगे हुए हैं और कहीं कोई अव्यवस्था ना हो, सब जगह पूरी व्यवस्थाएं रहें, उसके लिए मैं स्वयं